हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंपलीफाइड कहते हैं किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक पावर बनना हो तो उसको बाकी सारी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट होना ही पड़ेगा इसीलिए हम एफटीए साइन करते हैं और अभी इंडिया यूके एफ भी न्यूज़ में है इसको आज हम कवर करेंगे बट एक्चुअली इसको दो पार्ट्स में कवर करेंगे पहले हम समझेंगे एफ क्या होते हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ एफ में जो कन्फ्यूजन होती है वो आपकी खत्म करेंगे जैसे पी टी एफ टी ए सेका कस्टम यूनियन इन सब के बीच का डिफरेंस क्लियर करेंगे नेक्स्ट सीरीज में हम एफ टी ए के लिमिटेशन और साथ में इंडिया यू जो एफ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं आपका एफ टी ए पी टी ए सेका सेपा में क्या फ़र्क होता है डब्लू टी ओ के एम एफ एन ऑन स्टेटस और नेशनल ट्रीटमेंट में क्या फर्क है साथ में हम जानेंगे कस्टम यूनियन कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक मार्केट्स वगैरह क्या होते हैं तो पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए जरा दो स्टेटमेंट को पढ़िए और देखिए इसमें से कौन सी करेक्ट है एम एफ एन इज प्रिंसिपल ऑफ गिविंग अदर द सेम ट्रीटमेंट एज वंस ओन नेशनल मतलब अपने नेशन और दूसरे कंट्री के उसको सेम ट्रीटमेंट देना एम होता है नेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर दैट द कंट्री एक्ट फेयरली विद ऑल डब्ल्यू टी ओ एक्सटेंडिंग द सेम प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू वन कंट्री टू अदर मेंबर्स दैट मीन्स सारे डब्लू मेंबर्स को सेम प्रिविलेजेस मिलने चाहिए ये आपका नेशनल ट्रीटमेंट बोलता है जरा स्टेटमेंट देखिए और मुझे बताइए कौन सा जवाब सही है बिकॉज वीडियो कैंट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले देखते हैं आ, शुरुआत करते हैं कि एफ हमें चाहिए क्यों होते हैं अगर एफ समझना हो तो उसको सिंपली दो कैटेगरीज दो आप टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हो दैट इज नंबर वन इस कॉम्पिटिशन और दूसरा है आपका कॉपरेशन दोनों प्रिंसिपल्स पे ये काम करता है एफटीए या फिर जब आप इस तरीके के रीजनल एग्रीमेंट साइन करते हो तो पहली बात कॉपरेशन आप तब करते हो जब दो कंट्रीज जो आपस में साइन कर देती हैं नॉन टैरिफ बैरियर कम कर देती हैं हैं जिसके से क्या करते है? वो अपने मार्केट एक दूसरे को अवेलेबल करा देती हैं राइट इन्वेस्टमेंट आपका आसान हो जाता है जा आसानी से पैसा आ सकता है इस कॉपरेशन से सबका वेलफेयर साथ में होता है जैसे यूरोपियन यूनियन देखा जाए इस तरीके के एग्रीमेंट से क्या होता है कंट्रीज आपस में कॉपोरेट कर रही हैं उनका एडवांटेज बढ़ चुका है आसानी से ट्रेड बढ़ रहा है बिजनेस बढ़ता है तो एक तरीके का उनका फायदा होता है दूसरा उनको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है बाकी कंट्रीज के साथ जैसे यूरोपियन यूनियन का आपस में अगर एफ है तो जब वो आपस में ट्रेड करती हैं तो उनको बहुत फायदा होता है जबकि वो दूसरे कंट्री जब उनके साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो उनको नहीं होगा क्योंकि उनके ऊपर 20 की 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 टैरिफ 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 लगेगी लगेगी 25 बट आपस में तो तो है ना तो गुड्स बहुत जल्दी मूव करते हैं तो इस तरीके से क्या होता है एक आपका मार्केट इन्वेस्टमेंट हो जाता है इससे क्या होता है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड में भी बैरियर्स कम हो जाते हैं आप टैरिफ कम कर रहे हो आसानी से बैरियर आपका आपका जो बैरियर है वो कम हो रहे हैं तो पहला तो कॉपरेटिव एडवांटेज क्योंकि आपस में कॉपरेट करके वेलफेयर कर रहे हैं दूसरा आपका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज कि जिनके साथ साइन नहीं किया है उनको नुकसान होता है जैसे अगर इंडिया आर से बाहर है तो हमें नुकसान होगा जबकि आर के जो अंदर कंट्रीज है वो आपस में आसानी से ट्रेड कर पाएंगी तो उनको एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है तो जो साथ में है उनको कंपैरेटिव बेनिफिट है जो उसका हिस्सा नहीं है उनको कंपिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाता है इसीलिए हम इसको साइन करते हैं ये इसके दो सबसे बड़े रीजन हो गए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से पॉलिटिकल बेनिफिट भी होते हैं इसीलिए हम साइन करते हैं अब आते हैं पीटीए एफटीए वगैरह ये सब क्या होते हैं चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से पीटीए और एफटी इन दोनों को साथ में करेंगे बिकॉज़ दोनों में सेम चीज हो रही है में बेसिकली ये हो रहा है कि जो भी गुड्स आ रहे हैं उन पे हमने टैरिफ दिए, मतलब कम लगाने लगे हैं जैसे इंडिया ने पीटीए साइन किया है बांग्लादेश के साथ और एफटीए साफ्टा कंट्रीज के साथ साइन किया एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका बांग्लादेश की ये आपका इंडिया है और बांग्लादेश के साथ इसने क्या किया है पीटीए साइन किया तो आप ऐसे केस में क्या होगा आ, अगर यहां से कोई अगर मोबाइल बेच रहा है तो उस पर क्या होगा पांच परसेंट की ड्यूटी ही लगेगी या फिर जीरो परसेंट की ड्यूटी लगेगी वहीं पे आप ले लो एग्जांपल मे बी कोलंबिया का अब कोलंबिया के साथ हमने नहीं साइन किया तो यहाँ से फोन आएंगे तो पंद्रह प्रतिशत की ड्यूटी लगेगी समझ में आया तो ये जो ड्यूटी को मिनिमम कर देना या फिर ड्यूटीज को जो हम मिनिमम कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं ये हम इस एग्रीमेंट के तहत करते हैं दोनों कंट्रीज म्यूचुअली एक दूसरे पे ड्यूटीज हटा देती है इसे कहते हैं पीटीए और एफटीए दोनों में ये होता है दोनों में बस फर्क ये होता है कि एक में आपकी नेगेटिव लिस्ट होती है और दूस, दूसरी में होती है आपकी पॉजिटिव लिस्ट राइट ये चीज का बस आप ध्यान रखोगे कि एक में होगी आपकी नेगेटिव और दूसरी होगी पॉजिटिव लिस्ट तो ये आपका हो गया पीटीए ये हो गया आपका एफटीए अब जरा फर्क समझिए इमेजिन यहाँ पे हंड्रेड गुड्स है अब अगर पीटीए यहाँ पे तीस गुड्स पे मिलेगा इसका मतलब तीस परसेंट गुड्स ऐसे होंगे मतलब तीस गुड्स की ऐसी लिस्ट होगी जिन पे ड्यूटी नहीं लगेगी या फिर मिनिमम लगेगी राइट तो सत्तर में से जो जो सत्तर गुड्स पे लेकिन ड्यूटी लगेगी तो तीस गुड्स ऐसे होंगे जिन पे नहीं लगेगी यहीं पे एफ में आपकी नेगेटिव लिस्ट निकाली जाती है मतलब अगर यहाँ पे तीस गुड्स पे निकाली गई है तो ये वो तीस गुड्स हैं जिन पे ड्यूटी आपकी लगेगी बाकी सब पे नहीं लगेगी समझ में आया एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव इसमें हम बोल रहे हैं कि ये तीस गुट है जिनपे ड्यूटी नहीं लगेगी बाकी सब पे लेके लगेगी तो यहाँ सत्तर प्रतिशत गुट पे लगेगी वहां पे बाकी सब पे नहीं लगने वाले किसी पे नहीं लगेगी सिर्फ इन तीस गुड पे लगेगी बिकॉज हम कह रहे हैं हम एग्रीकल्चर में अलाउड नहीं करेंगे हम डिफेंस में अलाउड नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव एरिया है राइट तो उस देखा जाए तो एफ में आपकी कम ड्यूटी लग रही है बिकॉज सेवेंटी पे तो लग ही नहीं रही ना इसमें सिर्फ हमने नेगेटिव लिस्ट रखी है कि इन पे नहीं लगेगी राइट right? तो हमने बहुत कम वो रखा इस है आता है और बाद में एफ क्योंकि यहाँ पे थर्टी परसेंट पे आपकी ड्यूटी नहीं लग रही और यहाँ पे कम से कम आपकी सेवेंटी परसेंट पे नहीं लग रही है राइट देखा जाए तो एक्चुअली इसका मीनिंग यही हुआ ना इस हरारकी में इसके बाद आता है आपका सेका और सेपा ठीक है इसमें क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल कॉपरेशन एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब ध्यान रखिएगा पीटीए हमने बांग्लादेश के साथ साइन किया है और आपटा कंट्रीज के साथ भी कर रखा है जिसमें आपका बांग्लादेश है इंडिया है श्रीलंका है चाइना है लाओ पीडीआर है और साउथ कोरिया है साफ्टा हमने साउथ अफ्रीकन साउथ एशियन कंट्रीज के साथ साइन किया है जो हमारी मोस्टली साख नेशनस है इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल हो गया आपका फिर यहाँ पे पा, पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान वगैरह ये आपकी कंट्रीज हो जाती है ठीक है तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज में आ जाती है भूटान भी आता है इसमें इन सब के साथ हमने ये साइन किया है सेका अब सेपा आते हैं एक कौौ एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और अगर फर्क देखा जाए तो फर्क नंबर ऑफ गुड्स एंड आइटम्स हैं जो कि इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड है राइट अब जरा देखें सेका में देखा जाए तो इसमें सेका में भी आपकी लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं सेपा ऑलसेका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट इंक्लूड लिस्ट ऑफ आइटम ड्यूटी लिस्ट ऑफ आइटम ड्यूटी लगेगी एक नेगेटिव लिस्ट होती है इसमें भी, इसमें भी एक होगी ही जिसको छोड़ के बाकी सब पे ड्यूटी रिमूव कर दी जाती है राइट right? इस नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के मतलब आप बोलोगे एफटी में भी यही किया था तो एक्टली exactly यह एफटीए का ही नेक्स्ट वर्जन है बट अगर यहाँ सेवेंटी परसेंट है तो यहाँ कम से कम एटी परसेंट ऐसी होंगी जिनके ऊपर ड्यूटी नहीं लग रही आपकी लिस्ट और कम हो जाती है दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एक आपका, एक आपका एक आपका ये ये एग्रीमेंट हो गया राइट अब आते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में फर्क क्या होता है इसमें मोस्टली गुड्स के साथ ऐसा किया गया था इसमें आपकी सर्विसेज भी आ जाएंगी और साथ में आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगी जैसे यहाँ पे तो आप फोन के बारे में मोबाइल फोन के बारे में बात किया या फिर शूज के बारे में यहाँ पे अगर एजुकेशन इज अ सर्विस तो इस पे ड्यूटी मिनिमम लगेगी आपकी एफटीआई पे रिस्ट्रिक्शन कम लगेंगी ना दिस इज वॉट इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो दोनों में फर्क क्या है ये एफ का नेक्स्ट वर्जन है इसमें गुड्स है ये एफ का वो वर्जन है जिसमें सर्विसेज भी हैं आपकी और इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इंक्लूड हो जाएंगे चलिए अब आते हैं कस्टम्स यूनियन अब पहले देख लीजिए सेका हमने साइन किया है मलेशिया के साथ और सिंगापुर के साथ कर रखा है और सेपा हमने साइन किया जापान और साउथ कोरिया के साथ और सेका के बाद ही सेपा चाहते हैं जैसे श्रीलंका के साथ हम 1998 में सेका साइन किया था और 2004 से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेपा साइन कर सकें हम मोस्टली सेपा क्यों प्रेफर करते हैं बिकॉज हम सर्विसेज में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम तो चाहते हैं दूसरों के साथ सेपा साइन करें क्योंकि सेका में तो सिर्फ गुड्स हैं सेपा में ही तो सर्विसेज आ रही हैं अब आते हैं कस्टम यूनियन कस्टम यूनियन इज बेसिकली जब जिन कंट्रीज ने आपस में साइन किया है वो आपस में ड्यूटी जीरो कर दें और बाकी कंट्री के साथ सिमिलर लेवल ऑफ टैरिफ पॉलिसी रखें जैसे आपका साकू या साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन जो कि नामीबिया बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका लेसोथो स्वाजीलैंड के बीच में है अब ये जब आपस में ट्रेड करती है तो यहां से अगर गुड्स आएंगे तो जीरो परसेंट टैरिफ होगी कि नामीबिया ने बोट्सवाना को बेचा बोट्सवाना साउथ अफ्रीका को बेचे तो जीरो परसेंट लेकिन अगर यही इंडिया के साथ अगर ट्रेड होने लगा तो ये सारी के सारे मिलके दस परसेंट टैरिफ लगाएंगी इसे कहते हैं आपका कस्टम यूनियन कि आपस में जीरो टैरिफ और बाहर वाली कंट्री के साथ एक सिमिलर टैरिफ लेवल जो कि सारी मिलकर लगाती है फिर आपका आता है कॉमन मार्केट कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन तो पहले से ही है कॉमन टैरिफ पॉलिसी और आपस में नहीं है साथ में यहाँ पे लेबर और कैपिटल जो होता है उसकी मूवमेंट भी आसान होती है अब इसका एग्जाम्पल मैं आपका लेती हूं जैसे ये आपकी यूरोपियन कंट्रीज जोन है आपकी इसमें से ये जो आपका एरिया है ना जैसे आपका जिसमें आपका आता है स्विट्जरलैंड है आइसलैंड है लिंचीन है इन इन सब ने क्या कर रखा है एक शीगन ट्रीटी साइन कर रखी है इस शीगन ट्रीटी के अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ तो पीपल इज अलाउड तो पहले से ही फ्री ट्रेड एरिया का तो हिस्सा है ही मतलब इनके पास ट्रेड एग्रीमेंट है कि जीरो ड्यूटी आपकी मिनिमम लगेगी साथ में शीघन ट्रीटी की वजह से क्या है लोगों का मूवमेंट बहुत आसान है तो इसमें क्या हो गया पहले से ही जीरो डीडी कॉमन टैरिफ का तो हिस्सा है हो गए साथ में बिकॉज ऑफ शीगन ट्रीटी ये आपका कॉमन मार्केट बना लिया इन्होंने राइट लोगों का और कैपिटल का मूव करना आसान है इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक यूनियन जहां पे हर तरीके का इंटीग्रेशन तो होता ही है जो पहले से होता आया है साथ में इस केस में आपकी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी भी सेम होंगी ये साथ में मिलकर डिसाइड करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना लगाना है या फिर आपकी कॉमन आपकी करेंसी भी हो सकती है जैसे यूरो जोन में आपकी जो करेंसी है वो कॉमन है सारी कंट्रीज की तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है अब आते हैं डब्ल्यूटीओ का एमएफएन स्टेटस के बारे में हम क्यों बात कर रहे थे डब्ल्यू टी ओ के एमएफ एन स्टेटस के बारे में हम यू बात कर रहे थे बिकॉज में दो तो कॉन्सेप्ट होते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन कि ये जो आपस में कंट्री ट्रेड कर रहे हैं ये एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इसके तहत क्या होता है एक आपका आता है एमएफ एन और दूसरा आता है आपका नेशनल ट्रीटमेंट आप इमेजिन ये कर लीजिए आपकी इंडिया है यहाँ पे एक तरफ आपका श्रीलंका इम्पोर्ट कर रहा है और दूसरों तरफ कर रहा है बांग्लादेश राइट या फिर कोलंबिया ले लीजिए कि कोलंबिया की हम बात कर रहे हैं तो अगर श्रीलंका से हम पाँच परसेंट की टैरिफ लगा रहे हैं तो कोलंबिया से लेकिन बीस परसेंट की टैरिफ लग रही है तो अगर कोलंबिया डब्ल्यू का मेंबर है तो वो जाके बोल सकता है कि ये गलत है इस एम में क्या होता है ऑल द डब्ल्यू टी ओ मेंबर्स आर एक्सपेक्टिंग सेम प्रिविलेज एंड ट्रीटमेंट फ्रॉम ईच अदर सिमिलर लेवल अगर उसको पांच परसेंट की टैरिफ लगाई है तो उसको भी बीस परसेंट की लगेगी तो जब ये बाहर की कंट्री इसमें टेरिटरी के अंदर कोई ट्रीटमेंट गुड करें तो सारे डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स को सेम लेवल ऑफ प्रिवलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलनी चाहिए इसको कहते हैं मोस्ट फॉरवर्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस वहीं पे अब इमेजिन इंडिया के अंदर गुड्स आ गए ये आपका श्रीलंका का प्रोडक्ट है जिसमें पाँच परसेंट की ड्यूटी लग रही है सेल्स पे यहीं पे इंडिया की मोटोरोला कंपनी है और उस पर सिर्फ टू परसेंट की ड्यूटी लगी है तो अब श्रीलंका इस टाइम पे कहा जाके कंप्लेन करेगा नेशनल ट्रीटमेंट के अंदर कि वंस यू आर इन अ टेरिटरी ऑफ अ डब्ल्यू ऑल द प्रोडक्ट शुड बी इक्वली ट्रीटेड वो चाहे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हो चाहे बाहर से आया हो इसे कहते हैं नेशनल ट्रीटमेंट विद इन द टेरिटरी इज नेशनल ट्रीटमेंट कि वंस किसी भी डब्ल्यू टी मेंबर में चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे बाहर के प्रोडक्ट हो उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और ये है आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आते समय जो सारी कंट्रीज जो अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रही हैं उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए राइट right? तो इस तहत तो आप बोल सकते हो कि एफ तो गलत है बट एक्चुअली गलत नहीं है बिकॉज डब्ल्यू ने दो एक्सेप्शन आपके दे रखे हैं एक है आपका एल कंट्रीज को लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए उनके अलाउड है और दूसरा आपका आता है अगर फ्री ट्रेड एरिया है तो आपके ये तो फ्री ट्रेड एरियाज में आते हैं अगर दो कंट्रीज भी साइन कर ले तो वो फ्री ट्रेड एरिया हो गए है एल डी सी एग्जाम्पल है आपका जीएसपी जर्नलाइज कि एस ने इंडिया से छीन लिया था उसके तहत यूएस क्या करता है एल कंट्रीज पे लो डेवलपिंग कंट्रीज पे कम टेरिफ लगाता है तो ये तो एक्सेप्शन की वजह से दीज आर अलाउड इसी के साथ हमारा खत्म होता है पहले मुझे मेरे पहले वाले सवाल का आप जवाब दीजिए ठीक है तो एम इस प्रिंसिपल ऑफ गिविंग अदर द सेम ट्रीटमेंट एज वंस ओन नेशनल अपने नेशनल और बाकी दूसरे के नेशन को सेम ट्रीटमेंट देना आपने देखो कि ये नेशनल ट्रीटमेंट की डेफिनेशन है और तो ये स्टेटमेंट गलत है और नेशनल ट्रीटमेंट रिक्वायर दैट द कंट्री फेली ट्रीट ऑल डब्ल्यू टी ओ मेम्बर्स तो सेम प्रिवेजेस और इम्यूनिटी होंगे ये डेफिनेशन एम एफ एन की है राइट ना तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत इसी के साथ हमारी वीडियो आज खत्म होती है थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़ने के लिए Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both Prelims and Mains perspectives. Last year, we have helped more than hundred students crack IAS with our Current Affairs classes.